हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, हम आज टॉपिक में बात करने वाले हैं 1 किलोवाट आवर्स और जूल हमारा क्या रिलेशन होता है। और फ्रेंड, बात करने वाले हैं 1 यूनिट और 1 किलोवाट घंटा, या फ्रेंड बोलते हैं बोल्ट ऑफ ट्रेड यूनिट। बीटेक फुल फॉर्म फ्रेंड हमारा होता है बोल्ट ऑफ ट्रेड। फ्रेंड, आज की वीडियो में ये हम कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपने अभी तक हमारे इससे पहली वीडियो अगर नहीं देखा है, विद्युत शक्ति या इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोस्ट लाइन, इलेक्ट्रिक चार्ज, तो फ्रेंड ने कई वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा तो आप फ्रेंड जल्दी जाकर हमारे चैनल के वीडियो नाम जाकर देख सकते हैं, या अपने डिफरेंट डिस्क्रिप्शन में हमें लिंक दे दी, वहां जाकर देख सकते हैं। तो आए फ्रेंड, टाइम को वेस्ट ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि हमारा 1 किलोवाट आवर्स और जूल में क्या रिलेशन होता है फ्रेंड्स, और क्या हमारी डिफिनेशन होती है फ्रेंड। यह हमारा फिजिक्स में फ्रेंड हमारा मोस्टली ये वर्ड यूज जरूर होता है कि 1 किलोवाट से हमारा क्या मीन्स होता है। फ्रेंड देखिए, आज की वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, मैं गारंटी लेता हूँ। तो आई दोस्तों, टाइम कनेक्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं, समझने के प्रयास करते हैं कि हमारा ये 1 किलोवाट आवर क्यों। देखिए, मैं एक बताना चाहता हूँ कि 1 किलोवाट आवर, देखिए 1 किलोवाट में जो 1 किलोवाट में फ्रेंड जो होते हैं वो 1000 वाट होते हैं। और बात आ जाती है अगर आवर्स, तो फ्रेंड हम लोग जानते हैं कि 1 घंटे में कितने 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में कितना, देखिए 1 आवर लेना तो 1 आवर से 60 मिनट होते हैं, लेकिन हमको सेकंड में चेक करना है तो 60 से इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया। फ्रेंड देखिए, 1 किलोवाट में, देखिए 1 किलोवाट में होते 1000 वाट। और बात आती है अगर 1 आवर्स की, तो फ्रेंड हम लोग जानते हैं कि 1 आवर में हमारे होते हैं 60 मिनट। हमको अगर इसको चेंज करना सेकंड में तो 60 × 60 कर देंगे फ्रेंड्स, वही हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 37 × 25 सेकेंड। फ्रेंड हमारा फाइनली क्या आ जाएगा, 1 किलोवाट इक्वल टू होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है। आई बात कर लेते हैं ये भी कि हमारा 1 यूनिट या 1 किलोवाट घंटा या हमारा BTU फ्रेंड्स को बोलते हैं बोल्ट ऑफ ट्रेड यूनिट क्या है, और समझने के प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है साइन इसको, या फ्रेंड अगर कोई अगर आपसे पूछ ले फ्रेंड कि यह क्या है, या तो फ्रेंड आपको तुरंत बोलना है कि यह हमारा यह ऊर्जा का मात्रक, या फ्रेंड यह हमारा यूनिट ऑफ एनर्जी है, या एनर्जी की यूनिट है। जो फ्रेंड हमारी इलेक्ट्रिक पावर आती है फ्रेंड, उसकी जो यूनिट होती है, फिर हमारे फ्रेंड हमारे जो घर में इलेक्ट्रिक पावर आती है जो उसको हम किससे मापते हैं, तो फ्रेंड ये हमारे यूनिट से है। जैसे फ्रेंड हमारे घर में बिजली बिल आती है, फ्रेंड हम लोग जानते हैं कितने यूनिट आए, तो बिजली जो हमारी खर्च होती है फ्रेंड उसको किलो में नहीं है ना, आपने कितने किलो कितने यूनिट हमारे खर्च हुई। तो फ्रेंड वही आज बात करने वाले हैं कि जो अपने घर की बिजली बिल आती है कि पूछते हैं कि हमारे घर की यूनिट इतनी है, तुम्हारे घर की यूनिट कितनी है, या फ्रेंड इसको बोलते हैं 1 किलोवाट घंटा भी। तो यहाँ लिखा है यह ऊर्जा का मात्रक है, या एनर्जी का यूनिट है जो किसी 1 किलोवाट, अगर फ्रेंड जो किसी 1 किलोवाट शक्ति वाले जो जिसमें से कोई फ्रेंड कोई हमारा अप्लायंस है, या कोई हमारा उपकरण है जो हमारा फ्रेंड उसकी जो स्टोरेज है या पावर वो 1 किलोवाट है, जो किसी 1 किलोवाट शक्ति वाले विद्युत परिपथ द्वारा इलेक्ट्रिक सर्किट द्वारा 1 घंटे में व्यय होती है, उसे 1 यूनिट या वोल्टेड अप यूनिट के। देखिए फ्रेंड, जिससे कि आप वो समझाने की बात कर रहे थे, जैसे कि फ्रेंड हमारा कोई एक डिवाइस है उसकी जो हमारी स्टोरेज है या वो 1 किलोवाट उस पर लिखा हुआ है, तो फ्रेंड अगर वो 1 घंटे अगर वो 1 घंटा चलता है तो फ्रेंड्स हमारी वो 1 यूनिट खर्च करता है, या वह 1 यूनिट खर्च करता है या 1 यूनिट लेता है, तो फ्रेंड इसी को बोलते हैं 1 यूनिट या 1 किलोवाट घंटा। अगर फ्रेंड बात आ जाए कि हम 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट कैसे निकालते हैं, तो फ्रेंड देखिए इसका फार्मूला होता है, आप इस फार्मूले की हेल्प से अपने घर की बिजली निकाल सकते हैं। टोटल वाट लिख दीजिए इनटू एम्पियर कर दीजिए कि कितने एम्पियर आ रहा है। नॉर्मली फ्रेंड हम लोग के घरों में फ्रेंड्स 5 एम्पियर आता है, इनटू आवर्स कर दीजिए कितने घंटे आपको निकालना है महीने का दिन का, और बटे में फ्रेंड 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो फ्रेंड यहाँ से आपको मिल जाएगा 1 किलोवाट घंटा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स सो मच।